आज हम बनाएंगे चाउमीन। चाउमीन हम सभी की बहुत ही फेवरेट होती है, बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आती है। आज मैं आपके लिए चाउमीन की बिल्कुल ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज एक सीक्रेट मसाला डालेंगे, जिसे डालने के बाद इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मार्केट में जो रेसिपी चाउमीन की बनाई जाती है, हूबहू वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोमल किचन में। तो चलिए चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में 2 गिलास पानी डाल दिया है। पानी में को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, ताकि पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अभी हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, ताकि नमक पानी के साथ अच्छे से मिल जाए। अभी हम इसमें डाल देंगे चाउमीन। तो जितनी चाउमीन आप बनाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से पानी एडजस्ट करिएगा। चाउमीन से थोड़ा ऊपर पानी रहे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और चाउमीन को एक बार पानी में इस तरीके से मिला लीजिए, ताकि चाउमीन हमारी अच्छे से खुली खुली हो जाए और अच्छे से पक जाए, कहीं से भी कच्ची नहीं रहे। इस तरीके से ऊपर नीचे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। चाउमीन को आप ओवर कुक नहीं कीजिएगा, वरना ये चिपकने लगती है और इस देखने में अच्छी भी नहीं लगती। तो हम इसे टोटल 80% पकाएंगे, ताकि चाउमीन हमारी अलग अलग बने। तो अभी हम इसे चेक करते हैं। 1 मिनट चाउमीन को उबलते हुए है, तो चाउमीन हमारी यहाँ पर उबल चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगी। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाउमीन का सारा पानी निकाल देते हैं, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो एक स्ट्रेनर पे मैंने यहाँ पे इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अभी मैं इसमें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी डालूँगी। ठंडा पानी डालने से चाउमीन हमारी अलग अलग बनेगी और इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। तो जब भी आपको अलग अलग चाउमीन बनानी हो, तो ठंडा पानी का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अच्छे से चाउमीन को हमने पानी के साथ वॉश कर लिया है। अभी इसका सारा पानी निकाल दीजिए और बड़े से बर्तन में एक प्लेट में मैंने इसे डाल दिया है। इसे थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए। आप चाहे तो थोड़ा सा तेल लगा कर भी रख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं चाउमीन बनाने की तरफ। तो मैंने तेल में डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही लहसुन को डालिएगा। 1 प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाल देते हैं। प्याज को 1 मिनट हम फ्राई करेंगे तेल के साथ। इसका कलर चेंज आपको नहीं करना है, बस 1 मिनट हम इसके फ्राई करेंगे, ताकि प्याज का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अभी मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। 3 हरी मिर्च को बारीक बारीक टुकड़ों में काट के डाला है इस प्याज के साथ। इसे भी थोड़ी देर पका लीजिए। सब्जियों में मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी लिया है। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो, आप चाउमीन में डाल सकते हैं। पत्ता गोभी को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर दीजिए और इसे 1 मिनट हाई फ्लेम पर इस तरीके से टॉस कर लीजिए, ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे और सब्जियाँ हमारी कच्ची भी ना लगे। तो यहाँ पर 1 मिनट मैंने इसे अच्छे से टॉस किया है। अभी शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दीजिए और कटे हुए गाजर। आप चाहे तो हरा प्याज या बीन्स भी डाल सकते हैं। इसे भी हम पत्ता गोभी के साथ इसे भी फ्राई करेंगे इस तरीके से, और इसे टॉस करिएगा, ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे। जब भी हम चाउमीन बनाते हैं, हमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो चाउमीन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मैंने शुरू से अंत तक गैस को हाई किया है, तो आप भी हाई फ्लेम पे इस तरीके से 1 से 2 मिनट के में सब्जियां हमारी फ्राई हो गई है। तो इसमें चाउमीन को डाल देते हैं। चाउमीन को डालने के बाद हम इसमें अपने डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर, 1/2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। मैंने डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। अजीनोमोटो डाल दीजिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जिस सीक्रेट मसाले की मैं बात कर रही थी, वो है ये 2 बड़े चम्मच सेजवान सॉस। एक बार आप सेजवान सॉस डाल के देखिएगा, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। नमक को कम ही ऐड करिएगा शुरू में, और इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर आपको मिक्स करने में परेशानी हो रही है, तो आप रोटी बनाने वाले चिमटे से इसे इस तरीके से पकड़ कर मिक्स कर दीजिएगा। एक बार आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी चीज़ों को मिलने तक मिलाइएगा
और गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दीजिएगा। इस तरीके से चाउमीन को सारी सब्जियां, चाउमीन मसाले हमारे आपस में इस तरीके से मिल जाए। कलर देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट आया है, बिल्कुल स्पाइसी चाउमीन लग रही है ना हमारी। तो बस इसी तरीके से टॉस करते हुए ऊपर नीचे करते जाइए, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट मार्केट वाली चाउमीन हमारी बन के तैयार है। और लीजिए दोस्तों, गैस को बंद कर देते हैं, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, इसे प्लेट में निकालते हैं। तो गर्मा गर्म हमारी चाउमीन बन के यहाँ पर रेडी है। आप बच्चे हो या बड़े, हम सभी को चाउमीन पसंद होती है। आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। और इसमें आप इसे कभी भी बना कर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को प्रेस करिएगा। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।